एक ब्यूटीफुल प्लेस की तलाश हमको ले आई है ऋषिकेश में। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग हैं ऋषिकेश में। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने कैंप साइट की ओर और जहाँ से हम कल सुबह निकल पड़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन तलाश में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइस, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने कैंप साइट में और ये है हमारा कैंप जो कि एक स्विस कैंप है जिसमें हम चार लोग रह रहे हैं। 4% कैंप ये है गाइस और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही केड़ी जगह है। मैं दिखा देता हूँ आपको हमारा क्या टेंट है। ये हमारा टेंट है गाइस, यहाँ पे एक कूलर जिन्होंने दे रखा है और ये हमारा 1% बेड, ये 2% बेड और ये 1% बेड। तो इस टेंट के अंदर हम चार लोग रहने वाले हैं आज रात और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। बाहर काफ़ी कुछ एडवेंचर हो रहा है, आप सुन पा रहे हो आवाज़। तो गाइस, अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कैंप साइड में। पीछे पूरा लाइटिंग कर रखा है उन्होंने, बढ़िया सजा रखा है। मैं यहाँ तो आपको गाइस कैसा दिखा रखा है उन्होंने। तो आपका भाई जो जगह ढूंढता है हमेशा अलग होता है गाइस। तो अभी यहाँ पे हम हैं, आप देख पा रहे हो इतना रॉ है। पीछे देखो, ज़्यादा कुछ यहाँ पे फैंसी चीज़ नहीं है गाइस, सब कुछ प्योर है। और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे मेरे ठीक पीछे, यहाँ पे नदी बह रही है, ज़्यादा बड़ा नहीं पर छोटा मोटा नदी यहाँ पर बह रही है और फन है गाइस, यहाँ का अलग ही फन है। मैं कल सुबह आपको ये सारा व्यू दिखाऊंगा गाइस, सुबह की रोशनी में ये व्यू एकदम खिल के आएगा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सैम ब्लॉग्स। दोस्तों एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे, हम अभी हैं ऋषिकेश में, ये हमारा है पीछे कैंप साइट। रात को हमने यहीं स्टे किया था गाइस, रात को हम काफ़ी लेट में आए थे तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह स्टार्ट हो गया हूँ ब्लॉग करके। तो दोस्तों अभी हमारा सीन कुछ ऐसा है, तो गाइस चाय हमारा हो चुका है, अब बस नाश्ता करते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ मैं आपसे ऑन रोड। सो गाइस यार सीन कुछ ऐसा है, भाई से भी हमें पता लगा कि सामने एक वाटरफॉल है तो हम देखने जा रहे हैं कि वाटरफॉल कैसा है और कितना बड़ा है। लेकिन जो कैंप वाले भैया उन्होंने बोला कि आप लोग लगे हाथ जाके वाटरफॉल घूम के आ जाओ। तो गाइस देखते हैं वाटरफॉल कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस आई एम ऑन द वे टू वाटरफॉल और अभी आप आवाज़ सुन पा रहे होगे नदी की, मेरे ठीक पीछे एक नदी आ रही है, ये देखिए ये वो नदी है और ये नदी आ रही है ऊपर वाटरफॉल से बहते हुए। तो हम जा रहे हैं ढूंढने वाटरफॉल, यहाँ से अराउंड 20 मिनट दूर है ऐसा नीचे एक भैया ने बताया हमको। तो जाते हैं और देखते हैं वाटरफॉल। तो अभी मेरा हुआ है हाफ ट्रैक कंप्लीट, मैं आया था यहाँ से पूरा चढ़ के, अब मेरे को जाना है यहाँ से और ऊपर। अभी देखते हैं और कितना ऊपर जाना पड़ेगा, पर गाइस बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू के लिए थोड़ा चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं हिडन वाटरफॉल में और वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है गाइस, मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हो वाटरफॉल है और इतना प्यारा लग रहा है वो, चारों तरफ का व्यू बहुत ही ऑसम लग रहा है गाइस। मैं दिखाता हूं आपको कैसा है यहां का वाटरफॉल। सो गाइस यार हमारी एडवेंचर की भूख अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हम जा रहे हैं इससे और आगे, क्या पता कुछ नया मिल जाए। तो गाइस दिखाता हूँ आपको क्या मिलता है हमें ऊपर जाकर, ये देखिए हम यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं अभी ये ट्रैक करते हुए और लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे और देखते हैं क्या पता क्या मिल जाए हमको वहाँ पर।
क्या पता इस तरह कुछ अच्छा मिल जाए। गाइस यार ट्रैक करने के बाद हमको फाइनली ये जगह मिल चुकी है। काफ़ी अच्छी जगह है गाइस, बहुत ही हिडन प्लेस है। काफ़ी कुछ रास्ते ऑफ रोड टाइप के थे, इतना बढ़िया रास्ता नहीं था, बट हाँ व्यू बहुत ऑसम है गाइस। इतना मज़ेदार भी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो इस जगह का नाम अभी तक किसी ने रखा नहीं है, हम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम सैम वाटरफॉल। जस्ट किडिंग गाइस, जगह बहुत प्यारा है, बहुत ही ऑसम जगह है। अब ऐसे निकलते हैं, हम मिलते हैं आपको नीचे। दोस्तों अभी हमारा सीन कुछ ऐसा है, हम जाने वाले हैं आज नीलकंठ मंदिर। बहुत ही प्यारी जगह है गाइस, भगवान महादेव का मंदिर है वहाँ पर। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ ऋषिकेश का नीलकंठ मंदिर। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऑन रोड। तो गाइस हम फाइनली पहुँच तो गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, बट पार्किंग के रूल के अकॉर्डिंग हमने गाड़ी लगा दी आधे किलोमीटर पहले। वहाँ पे सरकारी पार्किंग थी तो गाड़ी में हमारी सेफ रहेगी। अब जा रहे हैं हम बाय वॉक, ये भाई लोग वॉक कर रहे हैं। तो गाइस व्यू देखो यार, एकदम ऑसम व्यू है यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं बाय वॉक और मोस्ट प्रोबेबली हम आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे मंदिर। फिर दिखाता हूँ आपको कैसा है नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, प्रसाद भी ले लिया है और देखिए कितना भीड़ है यहाँ। हेलो गाइस, यहाँ लगी है भोले के भक्तों की भीड़। मंदिर के स्टार्टिंग में मुझे लगा था अंदर खाली होगा, बट अंदर आके देखा तो यहाँ काफी अच्छा खासा भीड़ है। शंकर भगवान की जय। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है नीलकंठ महादेव का त्रिशूल, बहुत ही सिद्ध त्रिशूल है। गाइस फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं बाहर और अंदर जो था कि मोबाइल फ़ोन फुटेज ये वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया अंदर। बट मंदिर काफ़ी अच्छा था गाइस, तो मैं फोटोज अगर मिला मेरे को तो मैं डाल दूंगा आपका, आप देख लेना कि अंदर से कैसा है। और हाँ गाइस एक और नया अपडेट है, ऐसा प्रसाद अगर लेके जाओगे तो अंदर अलाउड नहीं है, अंदर चढ़ेगा नहीं, अंदर सिर्फ बेलपत्र फूल और जल चढ़ता है। तो आप लोग आए तो इसका ध्यान रखें प्लीज़। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, हम ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे फटाफट निकले। अभी टाइम हो रहा है 5:15, तो ट्राई कर रहे हैं कि टाइम से वहाँ पहुँच जाए गंगा आरती में। अगर पहुँच गए तो आपको दिखाऊंगा कि कैसा है ऋषिकेश का गंगा आरती। तो गाइस मिलते हैं आपसे ऋषिकेश में। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद हमसे गंगा आरती छूट गया, पर ये प्यारा सा गंगा किनारे वाला सनसेट हमें मिल गया। तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।